गेल्या 10 वर्षात भारत बदलला आहे. 10 वर्षापूर्वी हजारो लाखो रुपयांच्या महाघोटाळ्यांची चर्चा असायची. आता हजारो कोट्यावधी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाल्याच्या चर्चा असतात. सुशासनाचा हा संकल्प देशभर दिसत आहे असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले. महत्वाकांक्षी अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेव अटल सेतूचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाले. यानंतर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रांगणात आयोजित भव्य कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सुमारे 1.5 लाखाहून अधिकच्या संख्येने उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केले. या सोहळ्यास व्यासपीठावर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि कपिल पाटील, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री उदय सामंत, मंत्री अदिती तटकरे, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, जपानचे राजदूत हिरोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते. सभास्थळी पंतप्रधानांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. या सोहळ्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते महाराष्ट्र शासनाच्या लेक लाडकी योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी लाभार्थी कुटुंबियांना प्रातिनिधिक स्वरूपात योजनेतील लाभाच्या पहिल्या हप्त्याचे धनादेश प्रदान करण्यात आले. त्याचप्रमाणे विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन, भूमिपूजन, पायाभरणी करण्यात आली. यामध्ये उरण खारकोपर लोकल सेवेचाही समावेश होता. पंतप्रधान मोदी मार्गदर्शनपर भाषणात म्हणाले की 2014 माझ्यावर निवडणुकीची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्याआधी मी रायगड किल्ल्यावर गेलो होतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीजवळ मी काही क्षण बसलो. या गोष्टीला 10 वर्षे झाली. या 10 वर्षात आपल्या स्वप्नांना सत्य होताना पाहिले. अटल सेतू या भावनांचे प्रतिबिंब आहे. तरुणांना नव्या विश्वात घेऊन आलो आहे. त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा रस्ता अटल सेतूसारख्या रस्त्यांवरून जातो. अटल सेतू हा विकसित भारताची झलक आहे. विकसित भारतात गती प्रगती होईल, अंतर कमी होईल, देशाचा कानाकोपरा जोडला जाईल, निरंतर आणि अडथळ विना सर्व सुरळीत राहील. जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था. छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की, उनकी दृष्टि थी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बनकर के आया था. उस बात को 10 साल हो रहे हैं. इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है. अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है. युवा साथियों के लिए ये नया विश्वास लेकर आ रहा है. उनके बेहतर भविष्य का रास्ता अटल सेतु जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर ही गुजरता है. अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है. विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है. विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी. विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा. जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा. यही तो अटल सेतु का संदेश है. मेरे परिवारजनों, बीते 10 वर्षों में भारत बदल गया है. इसकी चर्चा खूब होती है. बदले हुए भारत की तस्वीर तब और साफ हो जाती है जब हम 10 वर्ष के पहले भारत को याद करते हैं. 10 साल पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती थी. आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने की चर्चा होती है. सुशासन का यह संकल्प देश भर में दिख रहा है. देश ने नॉर्थ ईस्ट में भूपेन हजारिका सेतु और बोगीबील ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट पूरे होते देखा है. आज अटल टनल और चेनाब ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट की चर्चा होती है. आज एक के बाद एक बनते एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है. आज हम भारत में आधुनिक और भव्य रेलवे स्टेशन बनते देख रहे हैं. ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर रेलवे की तस्वीर बदलने वाले हैं. वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनों सामान्य जन के सफर को आसान और आधुनिक बना रही है.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की अटल सेतू हा त्यांच्या नावाप्रमाणेच अटल आहे. या पुलाला माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव असणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे लोकार्पण ही या पुलाच्या बळकटीची खात्री देणारी आहे. हा पूल 22 किलोमीटर मार्गाचा आहे. भूकंपाचे धक्केही हा पूल सहन करू शकतो. मात्र येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भूकंपाचे झटके विरोधकांना बसणार आहेत. शिवडी न्हावाशेवा हा विजयाकडे घेऊन जाणारा महामार्ग आहे. अन्याय आणि अत्याचाराचा अंत करण्यासाठी प्रभू रामाच्या सेनेने समुद्र सेतू बांधला होता. हा सागरी सेतू ही अहंकारी लोकांचा अहंकार मोडणारा ठरेल यात शंका नाही. MTHL सीलिंग ये भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम इसे दिया हुआ है. यह सेतु अटल जी के नाम की तरह ही अटल और मजबूत है. श्रद्धेय अटल जी का नाम और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन इस ब्रिज के मजबूती की एक गारंटी है. जैसे देश में मोदी गारंटी चलती है वैसे ये ब्रिज भी अभी और मजबूत हो गया है. यह सी ब्रिज 22 किलोमीटर का है. बड़े भूकंप के झटके को झेलने की भी क्षमता इसमें है. ऐसा ये मजबूत बनाया है. लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे. ये मैं अभी कहना चाहता हूँ. ये सत्यता है, ये सच्चाई है. यह सिर्फ शिवडी न्हावाशेवा एक मार्ग नहीं है बल्कि जीत की ओर ले जाने वाला विकास का महामार्ग है. अन्याय और अत्याचार करने वाले रावण के अहंकार का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया था. इस सागरी सेतु के निर्माण से उसी तरह अहंकारी लोगों का अहंकार भी चकनाचूर हो जाएगा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की मला सर्वात जास्त आनंद आहे की अटल सेतूचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते झाले. याचे भूमिपूजनही त्यांनी केले होते. या देशात मोदी राज आले म्हणून अटल सेतू पूर्ण होऊ शकला. अटल सेतूची संकल्पना 1973 मांडली गेली होती. 1982 JRD टाटा कमिटीने अलाइनमेंट केली पण 40 वर्षात काहीच झाले नाही. मोदी पंतप्रधान बनले तसा देशाचा मिजाज बदलला. काम करण्याची पद्धती बदलल्या आणि मग अनेक गोष्टी वेगाने चालू लागल्या. मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि अटल सेतु का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है. इसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी ने किया था और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं. और ये अटल सेतु इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश में मोदी राज आया. अगर मोदी राज नहीं आता तो अटल सेतु कभी नहीं हो पाता. ये अटल सेतु MTHL इसकी संकल्पना परिकल्पना 1973 में रखी गई थी. 1982 में JRD टाटा कमिटी ने इसकी अलाइनमेंट फिक्स की लेकिन 40 साल तक कुछ नहीं हो पाया. किंतु इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश का मिजाज बदला, काम करने की पद्धति बदली. उनके आशीर्वाद से यहाँ पर भी हमारी युति की सरकार आई और फिर चीज़ें बड़े जोरों से दौड़ने लगी. और मोदी जी की सरकार ने सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हमको सीमित समय में दिए. जितनी मान्यताएं थी मोदी जी ने आदेश दिया तुरंत मान्यताएं मिलनी चाहिए, सारी मान्यताएं मिली. यहाँ पर कई लोग कहते थे कि फ्लेमिंगो सेंचुरी है उसका क्या होगा. हमने BNHS के माध्यम से उसके मिटिगेशन मेजर्स किए और आज हम देख सकते हैं फ्लेमिंगोस की संख्या बढ़ी है, वो संख्या कम नहीं हुई और ये हमारा सेतु भी तैयार हुआ.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आपले विचार मांडत मोदी सरकारच्या पाठबळाने राज्यातील महायुती सरकार पुढे जात असल्याचे नमूद केले. दरम्यान यावेळी उरणकरांचे स्वप्न असलेल्या उरण ते नवी मुंबई मार्गावरील खारकोपर उरण या दुसऱ्या टप्प्यातील लोकल सेवेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल सेतू लोकार्पण सोहळ्यातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे हिरवा झेंडा दाखवला. यातील पहिल्या टप्प्यात नेरूळ बेलापूर ते खारकोपर अशा 12.5 किलोमीटर अंतरापर्यंत सेवा सुरू होती. या सोहळ्यात उर्वरित उरणपर्यंतच्या 14.3 किलोमीटर लांबीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सेवेचा प्रारंभ करण्यात आला.